एसबीआई पूरे इंस्ट्रक्शंस लेता था फिनेंस मिनिस्ट्री से हर कदम पे कि कहाँ ब्रांच खुले, कहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिके, कितने बिके, किस किस्म के बिके, ये पूरे डिटेल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय इसको देता था जब भी वित्त मंत्रालय उनसे मांगता था। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचरज भरा देश होगा जहाँ इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज के रेड्स हो रही है और रेड्स होने के बाद वो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई मुनाफा नहीं कमाया, एक रुपया नहीं कमाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देती चली गई। पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया स्टेट बैंक को कि भाई आप ये सारा डेटा, किसने बॉन्ड दिए, किसने बॉन्ड लिए, ये सब पब्लिक करिए, सारे डिटेल पब्लिक करिए, तो 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक ने बोला कि हमको 3.5 महीने और चाहिए क्योंकि ये 22,000 बॉन्ड खरीदे गए, 22,000 बॉन्ड इनकैश करे गए, दोनों को हमारे पास 2 साइलोज में उनको मैच करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे, ये उन्होंने बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास जो है आप दे दीजिए, और उनको 1 दिन का टाइम दिया, 1 दिन में उन्होंने दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया, सबको पता लग गया किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले, किस जने ने कितने बॉन्ड खरीदे, किस कंपनी ने खरीदे, लेकिन उसमें भी इन्होंने नंबर नहीं दिए, बॉन्ड नंबर नहीं दिए जिससे ये मैचिंग हो सके, जिसका कह रहे थे कि हमको 3.5 महीने लगेंगे मैच करने में। अरे भाई बॉन्ड तो दे देते, नंबर तो दे देते, नहीं दिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा आप मैच मत करिए, दोनों तरफ नंबर दे दीजिए, तो इन्होंने कल जाकर नंबर दिए दोनों तरफ, और उसको 3 मिनट के अंदर कंप्यूटर से उसकी मैचिंग कर ली गई, बहुत सारे लोगों ने उसकी मैचिंग कर ली 3 मिनट लगा सिर्फ, यानी कि स्टेट बैंक झूठ बोल रहा था। अब इसके बहुत सारे अब इंफॉर्मेशन कई लोगों ने निकाली है कि भाई किसने किसको चंदा दिया, नितिन सेठी हमारे पास बैठे हैं, वो आपको एड्रेस करेंगे, उन्होंने काफ़ी एनालिसिस करी है कि किसने किसको चंदा दिया, कब दिया वगैरह। यहाँ जगदीप चोखर जी हैं जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो संस्था सुप्रीम कोर्ट गई थी इन बॉन्ड को रद्द कराने के लिए, जिनके पिटिशन पर बॉन्ड रद्द हुए, अंजलि जी हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के कन्वीनर भी हैं, कॉमन कॉज की बोर्ड मेंबर भी हैं, और अंजलि जी ने भी इस केस को बहुत शुरू से पूरा ट्रैक किया, इसमें पूरी जद्दोजहद करी। तो मैं पहले नितिन सेठी से बोलूँगा कि वो आपको थोड़ी और सूचना दे, जो एनालिसिस अभी तक हो चुकी है उसके बारे में। मैं भी आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जो सिर्फ जो हम लोगों को मिला और जो हम लोगों ने टटोल के निकाला सिर्फ उतना बयान कर रहा हूँ, बाकी विशेषज्ञ अपने अपने सब्जेक्ट के जिन्होंने इसको परस्यू किया शुरू से वो आपके साथ है, तो बाकी वो बताएंगे। इसमें जब 2019 में पहली बार कॉमोडोर लोकेश पत्रा और अंजलि जी ने इस पे कागज निकाले थे आरटीआई द्वारा, तो 2-4 चीज़ें उस समय पे सामने आई थी जो आज सच होके दिखने लगी हैं। 2 चीज़ की इलेक्शन कमीशन और उस टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 वार्निंग दी थी सरकार को, जो सरकार ने अनदेखी कर दी थी। एक कि जिस तरीके की ये स्कीम है इसमें खोखली कंपनियां पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डालने का रास्ता मिल जाएगा उनको और वो डालेंगी। दूसरा कि वो पैसा सच में किसका होगा और कहाँ से आएगा इसका हिसाब कोई नहीं रख पाएगा। उस टाइम तो अनदेखा कर दिया गया, 5 साल बाद जब अब ये कागज बाहर आए हैं तो इस सब चीज़ों की पुष्टि हुई है। उसके मैं कुछ उदाहरण जो हम लोगों को दिखे रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, मेरे कोलीग श्री गिरीश जलिहाल तपस्या वगैरह ने जो निकाले हैं कागज, और ये निकलते हैं एक तो जो SBI ने फाइनली कागज दिए जोड़ने के कि किसने किसको बॉन्ड दिया, एक तो वो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बनता है कि इन कंपनियों के कॉरपोरेट रिकॉर्ड्स हैं क्या, ये लोग क्या धंधा सच में करती थी, कहाँ करती थी, क्यों करती थी और किस लिए करती थी।
उसको जोड़ के जो हम लोगों को समझ आया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई मुनाफा नहीं कमाया, एक रुपया नहीं कमाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देती चली गई। इसका हम लोग तो यही अपने में, अगर हम माने कि आप अपने लिए कुछ ना कमा रहे हो और अपना पेट काट के किसी और को पैसा देते चले, तो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बिना एक मुनाफा कमाए या बहुत कम मुनाफा कमाए, नुकसान में भी रह के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ऐसी कम से कम 16 कंपनियां हमने देखी जिसमें साफ जाहिर होता है कि उन कंपनियों को अगर पुराने नियम लगे होते तो वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा कभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साल में नहीं दे पाती, जबकि उन्होंने दिए 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहाँ खोखली कंपनियाँ भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। ऐसा भी साफ जाहिर हुआ कि कुछ कंपनियां हैं जिनका धंधा समझ ही नहीं आता, कहने को वो लॉटरी के धंधे में हैं या होटल का धंधा चला रही हैं, लेकिन अगर आप सच में उनके कागज टटोले तो आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा आ कहाँ से रहा था। एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा दिया और उसके अगेंस्ट CAG ने रिकॉर्ड्स पे लिखा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा गबन करती थी, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पैसे गबन किए, साल दर साल किए, उनकी इंक्वायरीज चलती रहीं, वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता था, वो उसमें से कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाता था। वो कंपनी कभी बंद नहीं हुई, उन कंपनी के ऊपर रेड्स भी हुई और वो कंपनियां आप सोच सकते हैं किन पार्टीज को उन्होंने पैसे दिए। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने कई पार्टीज को पैसे दिए, कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं, अगेन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स देखने से ज़्यादा साफ जाहिर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचरज भरा देश होगा जहाँ इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज के रेड्स हो रही है और रेड्स होने के बाद वो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती हैं। एक तरीके से थोड़ी आयरनी भी दिखी कि हमें लगता था कि कॉरपोरेट्स थोड़ा अलग रहते हैं, बिजनेस से इतना डील नहीं करते, लेकिन इतना प्रेम कुछ कंपनियों में कुछ पार्टीज के लिए देखने को मिला कि शायद हम लोगों में आपस में इतना प्रेम नहीं होता है कि पार्टी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल पार्टीज को चुपचाप चंदे में दिए जा रही है। अगर आप उन लोगों के मालिकों को देखें तो उनकी जिंदगियां ठीक है, कंपनियां खोखली हैं, लेकिन पैसा चले जा रहा है। तीसरा जो हमने बहुत अगेन एक पूरा ट्रेंड दिख रहा था कि कुछ किस्म के धंधे हैं जहां से पैसा बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है और वो इस किस्म के धंधे हैं जहां पे सरकार से लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये पुराने ज़माने में लाइसेंस राज और ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके एविडेंसेस कि ऐसा अब हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उतना ही प्रचलित है, वो सामने आने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉरपोरेट्स के दिखे हैं। कुछ चीज़ें जो पहले भी पता थी वो कंफर्म हुई हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को मिला, जो शुरू से सब लोग अंजलि जी, चोकर जी सब बोलते आ रहे थे कि ये स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि जबकि इसको एक सीक्रेट स्कीम बोला जा रहा था, ये कागज़ भी सामने आए, SBI बहुत दिन तक झूठ बोलता रहा, जैसे प्रशांत जी ने बोला फाइनली सच बाहर आया कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखा होता था ये जानने तक कि वो किस टेलर पे, किस ब्रांच में, किस शहर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और किस टेलर ने किस ब्रांच में किस पॉलिटिकल पार्टी को वो फाइनली पैसा दिया, ये पूरा ऑडिट ट्रेल SBI रखता था। ये एविडेंसेस भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बाहर निकाल के दिखाए कि स्टेट बैंक अपने पास ही नहीं रखता था, कुछ केसेस में स्टेट बैंक फोन करके वित्त मंत्रालय से पूछता था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या करें। एक खास केस आया जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन में इनकैश करने होते हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंची स्टेट बैंक में और बोला कि ये पुराने हो गए लेकिन इस पर फिर भी आप हमें नकद दे दें, तो स्टेट बैंक ने वित्त मंत्रालय को फ़ोन किया कि ये 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे पास पहुँचे हैं, वैसे तो ख़त्म हो चुके हैं पर इसका क्या करें, तो वित्त मंत्रालय ने रिकॉर्ड पर उनको बोला इस पार्टी को इनकैश करने दो, वो पार्टी भाजपा थी। तो उससे ये साफ हुआ कि ऐसा नहीं कि SBI अकेले काम कर रहा था, SBI पूरे इंस्ट्रक्शंस लेता था फिनेंस मिनिस्ट्री से हर कदम पे कि कहाँ ब्रांच खुले, कहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिके,
कितने बिके, किस किस्म के बिके, ये पूरे डिटेल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय इसको देता था जब भी वित्त मंत्रालय उनसे मांगता था। ये चीज़ें पहले भी वाकिफ हम लोग थे इससे, लेकिन ये एविडेंसेस पिछले कुछ दिनों में बाहर आए हैं। साथ में जो SBI ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी और चोकर जी के केस में जो लिखा, कई दिन तक जैसे प्रशांत जी बोले थे कि बोलते रहे कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, जब उन्होंने फाइनली अपना बयान दिया कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, साफ हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बैंक के पास रखी थी कि वो चाहते तो पहले दिन के कुछ घंटों में ये सारा डेटा बाहर ला सकते थे, वो नहीं लाए। और जब कल बाहर आया तो कई जर्नलिस्ट, जो हम में से कोई बैंकर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उतने विद्वान है जितने बैंक SBI में काम करने वाले, लेकिन एवरेज तौर पे, औसत तौर पे किसी को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा उनको जोड़ के दिखाने के लिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। ये भी सच है कि सिर्फ BJP या भाजपा ने पैसा नहीं कमाया, कई रीजनल पार्टीज भी हैं TMC जैसी जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। लेकिन ये बात साफ है, दो चीज़ें बहुत साफ है कि जो स्कीम बनी थी वो केंद्र में सत्ता में जो होगा उसकी मदद करने के लिए ज़्यादा बनी थी। दूसरा, ये स्कीम में पूरी गुंजाइश थी कि जो सत्ता में दिल्ली में होगा अगर वो तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कई लोगों से जाने अनजाने अनचाहे पैसे ले सकता है बिना आपको और मेरे को पता चले। अगर ये केस ना हुआ होता और ये डेटा बाहर ना आया होता तो हम लोग के पास सिर्फ इतना एविडेंस था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कौन किसको दे रहा है इसके शायद एविडेंस ना मिलते। हमने स्टोरी ऐसी करी है जहाँ एविडेंस है कि करीबन 100 क्लियरेंसेज हैं जो इन पार्टीज इन कंपनीज ने लिए जिन्होंने चंदा दिया। अब अगेन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे 100 क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा दिया क्या दिया, लेकिन वही शक उठता है कि अगर इस देश में धंधा करने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा ही देना पड़ेगा, फिर कौन सा धंधा साफ है? जो अच्छे तरीके से धंधा करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो एक तरीके से जो हमारे क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा था उसको हम लोग सुनते थे कि ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर से एक पर्दा हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पे वो उतरा और एविडेंसेस साफ आए कि कुछ कई चीज़ें एकदम बदली नहीं है। वो लाइसेंस राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, शेल कंपनीज, काले धन को सफ़ेद करने के तरीके, वो सब उतने ही बने हैं, शायद थोड़े बढ़ गए हैं। मैं इस पर पॉज करूँगा क्योंकि बाकी चीज़ें एक्सपर्ट्स को बोलना चाहिए।